अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज मुबारक के साथ। कल खाने वाल में एक वाक़या पेश आया और सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग मुझे भी वीडियो भेज रहे हैं, उस बंदे की तस्वीरें भी भेज रहे हैं। वाक़या कुछ है, जो मुझे इलम हुआ वो ये है कि गुस्ताखे रसूल का इल्ज़ाम लगा के एक बंदे की जान ले ली गई और एक हजूम ने उस पर हमला कर दिया। इस तरह के वाक़यात ने पाकिस्तान में आए दिन आपके इलम में इजाफा हो रहा है। कभी कराची में कोई वाक़या पेश आता है, कभी किसी श्रीलंकन को इसी इल्ज़ाम के तहत दुनिया से अगली दुनिया भिजवा दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पर। चंद दिन पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी उस लड़की की आज भी वीडियो चल रही है, जो हिंदुस्तान में जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया उसे भी इसी किस्म की परेशानी का सामना था। और उस वक्त पाकिस्तान के उलमा ने, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत बड़ा जनाब है उसको कहा कि आपने कारनामा अंजाम दिया है, आपने ऐसा काम किया है कि इससे पहले किसी लड़की को ये तौफीक नहीं मिली। किसी ने कहा शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। हमारे लोगों ने ये तासरात दिए। अब पाकिस्तान में आपने देखा है कि ये कहते हैं जनाब कि यहाँ पे हम इंसानी हकूक का ख्याल रखते हैं, हर बंदे को आज़ादी है, राय का हक है। इल्ज़ाम लगाना एक आम सी बात बन चुकी है पाकिस्तान में। कभी एमडीओ पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कभी किसी साई पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, हत्ता कि ये अपने लोगों पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं। आपके इलम ही होगा कि बैंक मैनेजर वाला केस जो था उस पर जिस चौकीदार ने उसको गोली मार दी थी वो एक ज़ाती रंजिश की वजह से। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ तो हम कहते हैं जी कि हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे उलमा का कहना है कि हमने जो भी तरबियत की है वो इनकी बड़े अच्छे माहौल में की है और यहाँ पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है। इनके वज़रा से पूछ ले वो भी यही कहेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है जनाब, हमारे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वज़ीर आज़म से पूछ ले वो कहेगा हाँ मसला तो है लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, मैं कवानीन चेंज करूँगा, मैं अमीर और गरीब को एक ही कानून दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि तौहीन रिसालत के नाम पे इस तरह लोगों को कत्ल कर दिया जाए और फिर अगर मुकदमा चले भी तो इतने बड़े हजूम में आप देखेंगे किस किस को पकड़ेंगे। फिर जो हमारी अदालतें हैं वो इंसाफ नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। जो कवानीन इन्होंने बनाए थे, मैंने इस पर कई बार बात भी की है कि अपनी तरफ से उस वक़्त के जो भुट्टो साहब थे उनके ये कारनामे आज भी इनके जो जाहल मुल्ला है या जाहल सियासतदान है वो भी बताते हैं कि भुट्टो साहब ने 90 साल मसला हल किया था, भुट्टो साहब ने एमडीओ को अकलियत करार दिया था। फिर इनका जो बाद में एक और आ गया वो ज़ियाउल हक़, उसने जी ऐसे आर्डिनेंस बना दिए कि आपकी इलम में होगा, वो और भी लोगों के लिए परेशानी बनी। फिर जनाब 295 सी, 298 सी, पता नहीं क्या क्या ऐसे कवानीन बनाए कि जिसका ना कोई मकसद था। और उस वजह से आज आप देखें कि कितने नाहक लोग कत्ल होते हैं और कितने गुनाहगार होते हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये वो लोग हैं जो हजूम में शामिल गरीब लोग होते हैं, मजदूर, दिहाड़ीदार। और पिछले दिनों एक बीबीसी पे रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी, मुकायदा जारी हुई थी कि ये जो लोग इस हजूम में शामिल होते हैं उनमें पहले अक्सर लोगों को किराए पे लिया जाता है, ठेकेदार हैं इनके, बकायदा तौर पर उनको फ़ोन किया जाता है कि आपने आना है यहाँ पे और यहाँ आके आपने जनाब ये हल्ला गुल्ला करना है, फिर दूसरे जाहल भी आपके साथ मिल जाएंगे और फिर हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये कहते जी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। जब तक मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि ऐसे कवानीन पहले ख़त्म किए जाए फिर माशरे में तब्दीली चाहिए हमारे में। अब माशरे में तब्दीली के लिए जो लोग भी तशद्दुद की तालीम देते हैं, जो लोग भी इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं उनकी तरबियत भी चाहिए, उन्हें सज़ाएं भी देनी चाहिए। इस तरह के जो मदरसों में तालीम दी जाती है
पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था, हमारे जो ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान से, उन्होंने बताया था कि ऐसे इश्तहारात स्कूलों और कॉलेजों में तकसीम किए जाते हैं जो नफरत की तालीम देते, उसके ये नताइज निकल रहे हैं। अब इनको नहीं फिक्र पाकिस्तान की इज्जत की, एक तरह तो इनको बड़ी फिक्र होती है जनाब के पिछले दिनों इन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ने की रसवाई जो है पूरी दुनिया में हुई। देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो दूसरे मामलात हैं वो अपनी जगह पे है, मगर जो कुछ ये लोग कर रहे हैं जहाँ पे इंसानी हकूक आ जाते हैं, चाहे वो किसी कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। जो कवानीन इन्होंने अहमदियों के लिए बनाए थे, आज उसमें इनके लोग भी आ रहे हैं, उनको भी मुसीबत बनी हुई है, उनकी भी ज़िंदगी जो है जहन्नम बनी हुई है, और खुल के ना तो कोई अपने मज़हब के मुताबिक बात कर सकता है। मैंने कई दफ़ा ये भी बताया कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि नबी पाक सल्लम की इन्होंने या मज़हब के नाम पे कोई ऐसी गुस्ताखी की गई है, सबसे पहले अगर आप लोग अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मज़हब को जिस तरह इस्लाम है, जिस तरह नबी पाक सल्लम ने इस्लामी तालीमात का बताया है, तो कोई भी आपके मज़हब की तरफ उंगली नहीं उठा सकता। मगर इस तरफ कभी तवज्जो नहीं की किसी की, किसी ने सोचा ही नहीं, फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे कहीं पे भी हो आप, और एक आदमी ने आकर अगर कह दिया कि जनाब इसने ये कह दिया, तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, हजूम इकट्ठा हो जाएगा कि हम नबी पाक सल्लम की इज्जत पे कोई ऐसी बात नहीं सुनने के लिए तैयार। मगर दूसरी तरफ एक बात पे भी ये लोग अमल नहीं करते, नबी पाक सल्लम की एक बात भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, एक ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है जिसकी वजह से इन्हें इंसान भी कहा जाए। इनको किसने हक दिया? जब एक मुल्क में आपने कवानीन है, वहाँ पे आपको इलम है कि उसके मुताबिक तो चलता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कानून तो है ना, उसके जो भी पुलिस है जो भी इदारे उनके नोटिस में ये लेके आनी चाहिए चीज़। अगर गौर करें तो आज यूरोप के ममालिक भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि किसी इंसान को भी हक हासिल नहीं कि वो किसी भी बंदे किसी भी मज़हब की तोहीन करें, ना वो इस्लाम की तोहीन करें ना किसी मज़हब की तोहीन करें। ये इसलिए मैंने आपको बताया कि लोगों को ये शऊर है, समझ है ये यूरोपियन ममालिक को, कि जो लोग यहाँ पे ऐसी हरकत करते हैं उनका भी मकसद यही होता है कि तशद्दुद और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए जो कि मुसलमानों को, उनको पता कि इनकी हालत का, और ये सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जी इस्लाम का जो प्रॉब्लम है कि जी फौरी तौर पर पकड़ लो और जान दे दो। अगर आप इस्लाम की बात करें तो वहाँ गवाह चाहिए, अदालत में भी गवाह चाहिए, दुनिया के किसी भी कोर्ट में आप चले जाएं वहाँ पे बगैर गवाहों के किसी को आप सजा नहीं दे सकते, फिर आपको तो हक हासिल ही नहीं है कि आप खुद किसी के को सजा दें। अगर आप कोई गलती करे तो मुझे बताएं कि मोहल्ले वाले आपको इस तरह मार दे, ये आपको तशद्दुद करे, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो इस्लाम तो ये भी कहता है ना कि जो चीज़ अपने लिए पसंद ना करो वो दूसरे के भी पसंद ना करो। तो इस तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से जो इन्होंने बड़े मार के मारे हुए हैं कि हमने इस्लाम के लिए बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आज भी आप देखते हैं कि पंजाब असम्बली में कभी कोई बिल पेश किया जाता है ख़त्मे नबूवत के नाम पे, कभी ये स्कूलों में, कभी कॉलेजों में, कभी तलीमी इदारों में, कभी कहीं कभी कहीं मदरसों में बताया जाता है जनाब के ख़त्मे नबूवत के ऊपर कोई हरफ नहीं आने देंगे, बाकी आप जो मर्ज़ी करते हैं। आए दिन इनके वज़रा आए हैं वो, या इनके जो मुल्ला जिनको ये उलमा कहते हैं, किसी न किसी गलत काम में पकड़े जाते हैं, वहाँ पे ना इनके जज्बात मजरूह होते हैं, ना इनको कोई तकलीफ़ होती है, ना इनको कोई परेशानी होती है, सोचने वाली बात है। अब ये जो बंदा गया बेचारा, अभी इसकी तफसीलात जब सामने आएंगी, ये फैमिली वाला था, बच्चे थे, और फिर जो बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की जो आपके इलम में है कि इज्जत होगी, इज्जत इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन लोगों के नज़दीक इज्जत ही है जो लोग ये काम करते हैं, और फिर कोई 10-20 गरीब आदमी जो है उनकी बलि दी जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनको तशद्दुद होगा, उनके घर का भी बेड़ा गर्क होगा, उनके भी बच्चे जो है क्राइम में मुलव्वस कल को होंगे, ना उनकी तरबियत होगी। ये है असल में मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जब जहल लोगों में इजाफा होता है तो वहाँ फिर नस्ल दर नस्ल लोग बर्बाद हो जाते हैं।
किसी को दूसरे से हमदर्दी नहीं है, किसी को एहसास नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है। आपके इलम में है कि वो श्रीलंका वाला केस जो था वो भी बाद में एक ज़ाती वजह बनी कि वो एक इंसान पसंद बंदा था, वो ड्यूटी पूरी चाहता था, वो लोगों को कहता था कि आप यहाँ आके ड्यूटी दो, तो इन लोगों ने जनाब उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। अब आप जब इसकी इंक्वायरी करेंगे, जब इसको पता करेंगे, मेरे इल्म में तो ये भी है कि वो ज़हनी मजबूर था, उसको पता ही नहीं था। अब एक बीमार आदमी भी अगर वो, उसको क्या इल्म मज़हब का, उसको अपना नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि वो कहाँ बैठा हुआ, किसी ने खाना दे दिया, खा लिया कभी, शायद उसको किसी ने, ये भी हो सकता है कि अकसाया हो कि तुम ऐसी बात करो, अगर उसे कर भी दी, अभी तक ये भी कोई पता नहीं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी कौम की जो हालत है, जो जहालत है, एक वाक्या भी लोग बोलते नहीं है, दूसरा वाक्या शुरू हो जाता है। कितना अरसा हुआ है कि आपके इलम में है ये जो श्रीलंका वाला था, इससे पहले भी ऐसे वाक्यात है कि कराची में जो नर्सें थीं उन पर तशद्दुद किया गया, और हमारे जो लोग हैं आपके इलम में है कि कोई थोड़ी सी तरक्की भी कर ले तो उसे हसद उसमें उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, हसद पैदा हो जाता है कि किसी ना किसी तरह इसकी टांग खींचे, कोई ना कोई ऐसा तरीका हो कि इसका बेड़ा गर्क कर दे। तो ये हालात जो आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, जहाँ पे नारे तो ये है कि हम जनाब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सब फरिश्ते हैं और हर एक की बड़ी इज्जत है, नफ्स का ख्याल रखते हैं, हर एक यहाँ पे महफूज है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी कोई कोई यहाँ पे मसला नहीं है, फिर जो सामने वाकयात आते हैं वो ये है। फिर जब बीबीसी रिपोर्ट देता है कि एमकेओ के ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन है, ऐसे ऐसे नफ़रत मेज़ तकरीरें की जाती है, फिर ऐसे ऐसे शैतान हैं वो जो आके कहते हैं जी बीबीसी तो गलत कह रहा है, बीबीसी तो बात ही नहीं ठीक कह रहा, बीबीसी ने तो रिपोर्ट देने से पहले हमें पूछना चाहिए था, हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए थी। अब आप बताएं कि बीबीसी बताएगा जब कि ये एक और वाकया पेश आया, तो फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ख्याल नहीं आएगा, सोचने वाली बात। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो लोग भी रहते हैं, शायद उनमें, मैं हैरान हूँ कई दफ़ा सोचता हूँ कि उनमें अकल नहीं है, समझ नहीं है, क्या वो कभी अपने दिमाग से काम नहीं लेते कि किसी को क्या ज़रूरत है किसी के मज़हब के बारे में कोई बात करे, आप खुद ही काफ़ी हैं, आप क्या तो ही, आप नहीं तो इन करते जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिलावट नहीं करनी, जब उन्होंने फरमाया रिश्वत नहीं लेनी, जब उन्होंने कहा कि ये नहीं करना जो भी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, तो सारे काम आप करते, फिर वहाँ आपको तो इन्हें मज़हब नहीं नज़र आती। आजकल वीडियो एक भी चली हुई है, वो शर्म आती है, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमर लियाकत, उसने 18 साल की लड़की से शादी कर ली, और उसे का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उसने शादी की है वो पैसे दिए कि है 2.5 लाख रुपये जो हमें इत्तला मिली है, फिर मजहबी स्कॉलर की ये हालत कि उसकी वीडियो देखे वहाँ पे किस तरह की बेशर्मी की हद है कि क्या क्या वो कर रहा है सोशल मीडिया, ये है इनके मजहबी स्कॉलर, इन लोगों ने ये तरीम दी गई है, इसकी जिल्लत का भी आजकल आगाज इसलिए हुआ है। शादी करना कोई गुनाह नहीं, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, आप कर सकते हैं, छोटी उम्र से भी की लड़की से भी कर सकते हैं, बड़ी से भी कर सकते हैं, मगर सोशल मीडिया पे आके अपनी तस्वीरें दिखा के लोगों को बताना कि मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, और मेरे ऊपर लिखा होता है ये हमारे मजहबी स्कॉलर हैं। आपके इलम में होगा इसने भी काफ़ी अरसा पहले अहमदियों के ख़िलाफ़ ऐसी बातें की थी। तो ये जो आपके मजहबी इस तरह के स्कॉलर हैं, जो याश हैं, जिनको न तमीज़ है, न तहजीब है, ना इनको अकल है, ना मौत है, इन्होंने ये कौम का हाल कर दिया है, इन्होंने ये कौम का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि अब इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मुझे कई लोगों ने कहा देखे जरा ये शादी तो की है, मगर ये तमाशा की दुनिया के लिए बनाया है, अपनी बीवी से ऐसी ऐसी हरकतें करवा के लोगों को बता रहा है कि जनाब मैं बड़ा ज़बरदस्त इंसान हूँ, मैं आपकी तरबियत कर रहा हूँ, अगर आप किसी प्रोग्राम में इसकी हरकतें देखें तो मेरा हाल, मैं क्या अल्फाज अब आपको बताऊं कि जो ये हरकतें वहां पे आके करता है, वो भी लोग जो समझदार लोग हैं वो यही कहते हैं कि इसको शर्म ही आ नहीं है, और जो इस तरह के जाहल है जिनकी तरबियत इसने की हुई है वो कहेंगे बल्ले बल्ले, इसको वोट भी देते हैं, इसको पार्लियामेंट में भी लेके आते हैं। ये एक एक ही मैं बात नहीं कर रहा,
आपको आए दिन कोई ना कोई मौलवी डांस करता मिलेगा, किसी क्लब में मिलेगा, किसी भी मिलेगा जनाब, वो ऐसे ऐसे ड्रामे करते, ये कभी आप ना देख लें। और भी इस तरह के छुप छुप के जो काम होते हैं वो तो आपके सामने नहीं आते, ये तो वो काम है जो सामने आ जाते हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो ये नुमाइश करने वाले लोग हैं, इन्होंने मजहबी तौर पे भी एक नुमाइश बनाई हुई है, मजहबी तौर पे भी ये सोचते हैं कि लोगों को बस बताएं कि इस्लाम ये है। मगर मैं आपको बताऊं कि इस्लामी तालीमात का इनसे कोई तल्लक नहीं। अगर आपने हकीकी इस्लाम देखना, मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि आप एहमदियों से मिलें, एहमदियों के साथ तल्लुकात बनाएं, आपको वहाँ समझ आएगी, शऊर आएगा, अकल आएगी। कभी आप नहीं सुनेंगे कि किसी बंदे का खून भी किसी अहमदियों के हाथों से हुआ मजहब के नाम, दूसरे भी जराय में अहमदी आपको नजर नहीं आएंगे। ये तरबियत का होता है, जब बचपन से आप बच्चों की तरबियत करते हैं तो वो फिर उनको पता होता है अच्छे बुरे की तमीज़ क्या है, उनको ये पता होता है कि हमने लोगों से कैसे मिलना है, लोगों के साथ कैसा सलूक करना है, लोगों से किस मोहब्बत और प्यार के साथ उनको समझाना है, कहाँ पे उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ें पाकिस्तान के माशरे में मौलवियों ने और इस जिस तरह के ये जो मजहबी स्कॉलर साहब हैं, इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया हुआ है कि लोग वहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते, लोगों के लिए इतनी मुश्किल हो रही है कि वो निकलना भी चाहे तो बाहर नहीं आ सकते। नाज़रीन, कौम जिस चक्कर में पड़ी हुई है वो आपके सामने। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमीर लोग जो डिफेंस में रहते हैं, कैंट में रहते हैं, अच्छे इलाकों में रहते हैं, उनको कोई दिलचस्पी नहीं कि वो इस जुलूस में शामिल हों, उनको कोई दिलचस्पी नहीं कि वो अपना सड़कें ब्लॉक करें, लोग लूट लें, लोगों को मार दें। आपने देखा होगा जी, जो इस्लाम के ठेकेदार हैं आए दिन 3-4 माह बाद जलसे जुलूस लेके सड़कों में बैठ जाते हैं, वहाँ लोगों का रास्ता रोक लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लूट मार करते हैं, आग लगा देते हैं, वो पत्थर मारते हैं गाड़ियों पे, अंदर बैठे लोग जख्मी हो जाते हैं। ये तरबियत इन लोगों ने की है, ये बेड़ा गर्क किया है कौम का इन लोगों। आप खुद अंदाजा लगाए क्या ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एहमदियों पर पाबंदी लगा दी गई, वो इनकी तरबियत भी नहीं कर सकते। मुझे, मैंने कई दफ़ा बताया, बार बार मैं यही बात बताता हूँ कि अभी भी मैं देखता अपने वहाँ पे सोशल मीडिया पे मुझे लोग बेशुमार लिखते हैं कि हम अहमदी होना चाहते हैं, हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं, हमारे बच्चों का मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी तरफ हम लोग डरते हैं, वहाँ पे ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं कि मुझे जब वो कहते हैं कोई अहमदी बताओ, मैं कहता यार यहाँ ला ठीक नहीं है, कोई तो आप पे वो उस पर केस कर देगा, कोई ऐसा मान जाएगा। आपके इलम में बेशुमार अहमदियों पे केस हुए जिन पे ये मसला बना हुआ है। तो ये आज मेरा हाल काफ़ी है। जुड़े रहें नाइब्रोज टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।